1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया, और फिर 1998 में रतन टाटा ने पैसेंजर कार्स के बिजनेस में कदम बढ़ाने का सोचा। फिर रतन टाटा की काफ़ी मेहनत और प्लानिंग करने के बाद उन्होंने मार्केट में टाटा इंडिका को उतारा। इस गाड़ी पे कंपनी ने मेहनत तो खूब करी थी, पर ये गाड़ी लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई और एक्सपर्ट्स ने भी इसके अंदर बहुत डिफेक्ट्स बताए, जिसके बाद टाटा मोटर्स 1999 तक आते आते काफ़ी लॉस में चली गई और कंपनी को काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब टाटा मोटर्स का फ्यूचर काफ़ी खतरे में आ गया था और इससे रतन टाटा को भी काफ़ी टेंशन होने लगी। अपने बिजनेस फ्रेंड्स और कलीग से सलाह मशवरा करने के बाद किसी ने रतन टाटा को ये सजेस्ट किया कि इससे पहले इस गाड़ी की वजह से कंपनी को और घाटा हो, क्यों ना हम इस बिजनेस को किसी और कंपनी को हैंड ओवर कर दें। रतन टाटा को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा और फिर रतन टाटा अपनी इस कंपनी को सेल करने के लिए फोर्ड के CEO बिल फोर्ड से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलने गए। फोर्ड उस टाइम पर काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही थी और लगभग लगभग पैसेंजर कार्स के बिजनेस पर राज कर रही थी। फिर रतन टाटा फोर्ड की टीम के साथ करीब 3 घंटे मीटिंग में बैठे और इस मीटिंग में फोर्ड के ऑफिशियल्स ने रतन टाटा को काफ़ी ह्यूमिलिएट किया और कहा, अगर आपको पैसेंजर कार्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो आप इस बिजनेस में आए ही क्यों, और हम अब तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं तुमसे ये कंपनी खरीद कर। ऐसा बिहेवियर इतनी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उस समय रतन टाटा को काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई और वो वहाँ से उसी रात डील किए बिना इंडिया लौट आए। अब टाटा मोटर्स की इज्जत पर सवाल उठने लग गए। फिर रतन टाटा ने काफ़ी मेहनत करने के बाद इस बिजनेस को फिर से नए सिरे से स्टार्ट किया और अब टाटा मोटर्स ने लॉन्च करी इंडिका V2। ये गाड़ी पिछले मॉडल से काफ़ी अच्छी थी और लकीली ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हिट भी हुई, और 2004 तक आते आते ये इंडिया की सेकेंड मोस्ट सेलिंग हैचबैक बन गई। इसके बाद टाटा मोटर्स ने काफ़ी हिट गाड़ियाँ लॉन्च करी और अब टाटा मोटर्स ने पैसेंजर कार्स के बिजनेस में एक अलग ही पहचान बना ली थी। और दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी की सारी गाड़ियाँ फ्लॉप होती जा रही थी। फोर्ड की जैगवार और लैंड रोवर कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था और अब 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड की हालत को देखते हुए उन्हें ऑफर दिया कि वो उनसे उनकी जैगवार और लैंड रोवर खरीदने को तैयार हैं। अब रतन टाटा ने पूरा सिनेरियो ही पलट दिया था। अब बिल फोर्ड ने खुद आगे से रतन टाटा को कहा कि आप हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हमसे जैगवार और लैंड रोवर खरीद कर। फिर 2008 में मुंबई में रतन टाटा ने ये डील फाइनल कर दी और अपने स्किल्स की वजह से लैंड रोवर और जैगवार के लॉस को 6 गुना प्रॉफिट में भी बदल दिया। रतन टाटा कहते हैं, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट इज ओन माइंडसेट कैन।